यक्षु आया अभी, ये क्रिकेट खेल रहे हैं। ओ तेरी, तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होगे। तो अभी टाइम 1 बज रहा है, आर्या को मैं टाइम से स्कूल छोड़ आया था। तो अभी हम जा रहे हैं बैंक, और बैंक में कुछ 2-4 काम है, वो काम करके और फिर वापस आएंगे। उतनी देर में आर्या के आने का भी टाइम हो जाएगा, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है तो जल्दी फ्री हो जाता है वो। कल तो आ गया था 1 बजे, अभी तक फ़ोन आया नहीं स्कूल से, तो देखते हैं। तो पहले चलते हैं बैंक। तो गाइस, शुक्र है हमारे निकलने से पहले ही फ़ोन आ गया आर्या के स्कूल से कि वो फ्री है, तो उसको लेके जाऊँ। तो निकले नहीं थे अभी, तो अभी बैंक जाते हुए पहले उसको साथ ही ले लेते हैं, फिर वो साथ बैंक चलेगा, फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो अभी आर्या को लेते हैं साथ में और फिर चलते हैं बैंक। गाइस, आ रहा है को ले लिया स्कूल से, अभी चलते हैं बैंक। तो गाइस, बैंक का काम तो हो गया, अब चलते हैं घर पे। इसको खाना भी खाना होगा ना, भूख लगी हुई है, तो पहले चलते हैं घर। तो गाइस, घर पे पहुंच गए हम। अभी आ रहा तो लंच करेगा, मेरा लंच का टाइम हुआ नहीं है अभी, मैं तब तक नहा लेता हूँ। और ये देखो पीछे नंगू पंगू फिर क्या है, तू तो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को कुछ नहीं होता, छोटे बच्चे नंगू पंगू ही घूमते होते हैं लड़े। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, अभी शाम के 4 बज गए हैं और मैं नहा धो के तो कब से तैयार हो गया था, पर बीच में कुछ काम हो गए तो वो करने लग गया। अभी तक मैंने लंच भी नहीं करा, पता नहीं क्या भूख ही नहीं लगती इन दिनों में। अब देखते हैं, थोड़ी देर में भूख लगती है तो खा लेंगे, नहीं तो बस सीधा रात को ही खाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ नगर पालिका, क्योंकि माता का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है ना, तो आगे हर जगह पर काम आएगा वो। आज हम बैंक गए थे तो बैंक वालों ने भी माता का डेथ सर्टिफिकेट मांग लिया, तो जाके तो आए थे हम नगर पालिका, पर वहाँ पे वो सर मिले नहीं थे जिनका डिपार्टमेंट है ये। तब वो लंच टाइम था तो लंच करने गए हुए थे, तो आके मेरे को कोई काम हो गए तो मैं जा नहीं सका। तो अभी जा रहे हैं, जाके पता करते हैं कि क्या प्रोसीजर है, तो फिर माता का डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं। तो पहले चलते हैं नगर पालिका। तो गाइस, मैं अभी नगर पालिका में ही हूँ और कन्फर्म कर लिया मैंने, उन्होंने फॉर्म दे दिया मेरे को। बल्कि अच्छा रहेगा कि मैं टाइम से आ गया, क्योंकि आज ना आते तो 21 दिन पूरे हो जाते और फिर दिक्कत हो जाती। तो अभी जाता हूँ जल्दी जल्दी फॉर्म भर के यहाँ पे जमा करवा देते हैं, आज ना जाते तो फिर दिक्कत आ जाती बनाने में इसको। 21 दिन होते हैं, तो गाइज 21 दिन का टाइम होता है इसको अप्लाई करने के लिए। तो शुक्र है मैं आज बैंक चले गए, तो बैंक वालों ने मांग लिया, तो मैं जाया तो पता चल गया कि 21 दिन होते हैं। तो अभी जल्दी जल्दी फॉर्म भर के और दे के आते हैं नगर पालिका में वापस। तो गाइस, फॉर्म मैंने भर लिया है, बस अब चलते हैं जमा करवाने, टाइम थोड़ा ही रह गया। पहले चलते हैं नगर पालिका, फॉर्म जमा करवा के आते हैं। और ये देखो, मैंने आपको बोला था ना कि ये मेरे साथ ही लटकता है हमेशा, अब फिर मेरे साथ जा रहा है। गाइस, आज लग अच्छा काम कर रहा है, कोई किसी काम में दिक्कत नहीं आई। जन आधार की दिक्कत आई थी, वो 5 मिनट में जीजाजी ने डाउनलोड करके भेज दिया। तो अभी हमारा यहाँ काम हो गया, फार्म हमने दे दिया, तो अभी 3-4 दिन में बन के आ जाएगा। तो अब चलते हैं घर पे, 3-4 महीने में चले घर, आइसक्रीम लेके जाऊंगा। तो गाइज, अभी टाइम 6:05 हो गए, बस अभी पहुँचे हैं हम घर पे। पर वहाँ फॉर्म 6 बजे तक जमा होने थे और पूरे पूरे टाइम पे जमा करवाया मैंने,
तो अभी बस घर पे आए हैं, अब चाय पीते हैं फिर चलते हैं, कहीं डोल के आएंगे। कहाँ जा रहा है तू? रेस करने? किसके साथ? तो आ रहा है, तो नानी ने इसकी रोक दिया कि रेस नहीं लगानी है। एक बार नहीं, कब का? चल अब मैं तेरे साथ चलता। तो गाइस आ रहा है को उसकी नानी साइकिल चलाने नहीं दे रही, तो इसलिए मैं उसके साथ जा रहा हूँ। तो मेरे को भी दुकान से सामान लेना है कुछ, तो थोड़ी दूर इसको साथ ले चलते हैं। ये लेके जाऊंगा मैं, ये लेके। क्या लेना है? ये लेके जाऊंगा। आइसक्रीम ना ले बाबू, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। चल देख, देख कौन सी लेनी है फिर देख। चॉकलेट डाली, मैंगो डाली। चल दे दो जी, मैंगो डोली दे दो। गुगू भैया की, गुगू भैया की। हाँ, गुगू भैया की। उधर किधर गए? मैं तो तुम लोग मैं कैसे आ गया उधर तक? कैसा? हाँ, एक अच्छी जगह। मेरे साथ आ गया, मेरे साथ एक पप्पी आ गया। तो गाइस ये देखो, अभी ये रात के 9 बजे क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी अक्षु है ना नाम तेरा, ये अक्षु आया, अभी ये क्रिकेट खेल रहे हैं। ओ तेरी, ये घर के अंदर खेल रहे हैं क्रिकेट। अभी अभी आ रहा कि बॉलिंग है और अक्षय की बैटिंग है। तो गाइस आ रहा को बॉल फेंकनी नहीं आती, क्योंकि आज तक इसने हमेशा बैटिंग ही करी है। अब कल से इसको बॉलिंग कराया करूंगा मैं। अभी अभिनव आ गया इनके साथ। हाँ सुन, तो अब जा रहा है तू? तो उस दिन डर क्यों गए थे तुम? ऐसे ही? तो रोज तो तू अकेला आता है, तो उस दिन तो वो उस दिन पापा था। तो गाइस एक दिन ना ये हमारे घर पे आए, तो रोज ही आते हैं, तो 10-11 बजे ये अकेले चले जाते हैं, अकेले चले जाते हैं भाई बहन। और एक दिन वो बाबा जी आए थे, उनको खाना खिलाना था, वो यहाँ बैठे थे यहीं पे इसी जगह पे, और ये उनको देख के ऐसा डरे, अंदर आए मेरे पास, क्या बोलते, अंकल हमको तो घर पे छोड़ के आओ। डरा मत कर, ऐसे नहीं डरते होते। तो साइकिल छोटी नहीं है, थोड़ी और बड़ी ले लेता साइकिल, पैर तो पहुंच नहीं रहे तेरे। चल बाय। तो खैर अभी क्रिकेट तो इनका हो गया, तो थोड़ी देर ही खेला, थोड़ी देर के लिए आया था उसके घर से, उतनी देर में फोन आ गया और बीच में इनको अभिनव तंग करने लग गया। तो क्या, तो इन्होंने क्रिकेट खेलना था, एक तो इसको बॉल नहीं फेंकनी आती, अब सुबह से इसको बॉल फेंकनी सिखाऊंगा मैं। तो अभी तो फिलहाल यही था, अभी डिनर करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो तू खुद उसके साथ पंगे लेता, फिर वो तेरे को छेड़ता है, तो फिर रोने लग जाता है। तो रात को 11 बजे इनके पंगे चालू हो गए। तो गाइस अभी रात के 11 बज गए हैं, और
आर्या का फेवरेट डिनर आ चुका है, मैक्रोनी विद सॉस खाता है ये। तेरे को अच्छी लगती है? शाम को तो मैगी खाई थी। मैगी मैक्रोनी गुच्छे बन जाएंगे पेट में। गुच्छे तेरे को अच्छी लगती है मैगी ये मैक्रोनी? तो गाइस आज का डिनर हमारा है मैक्रोनी का, तो पहले डिनर कर लेते हैं फिर सोएंगे क्योंकि इसके एग्जाम चल रहे हैं ना, तो सोएंगे। तो फिलहाल तो डिनर करके आपसे मिलते हैं। तो गाइस रात के 11:30 हो चुके हैं और बाहर फुल आंधी तूफान चल रहा है। अभी मैंने गेट खोल के देखा तो आंधी तूफान गेट थोड़ा सा ना ऐसे शोर कर रहा था, तो ऐसे लग रहा था जैसे बाहर कोई है। तो बाहर निकल के देखा तो एकदम आंधी फुल आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, बारिश आ रही है। तो अभी हमारा सोने का टाइम है तो अब हम सोते हैं। तो आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल का आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।